हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं आप लोगों के सामने ये लाया हूँ। ये लिस्ट है जिन महापुरुषों को 2021 का ये नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं उन लोगों के बारे में है। ये देखिए, तो मैं ऐसा है कि थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उनके नाम बताऊंगा और किसके बारे में मिला है उसको बताऊंगा मैं आपसे, है ना। बाकी ये है कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया रहेगा, है ना। इसमें कुछ नाम ऐसे दिए गए हैं जो इन्हें पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि फॉरेन के हैं, लेकिन ये है कि आप उनको पढ़ लेंगे तो एक थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हो जाएगा आपको कि इन साहब को मिला है ना। तो देखिए ये मिला है इनको नोबेल प्राइज़, इनको मिला है देखिए नोबेल प्राइज़ फिजिक्स मिला है इनको, है ना। तो ये मिला है इनको फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देखिए ये मिला है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। इनका कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए आता है। तो देखिए बात ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट हैं ना, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है जो भी उनका, वो किसी एक आदमी के हाथ में न होकर कई इंसानों को जाता है, है ना। तो उनका नाम फिर अलग अलग आता है फिर ना। तो जैसे देखिए ये नाम दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पता नहीं, मैं तो खुद नहीं इनकी बेहतर एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन ये कि फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेटिक क्लाइमेट क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबल प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इनका इसमें थोड़ा सा इनका वो है, इन्होंने स्क्वायर बताया है कि अर्थ का मॉडल कैसा होगा, अर्थ क्लाइमेट मॉडल के बारे में बताया इन्होंने, और क्लाइमेटिक जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके बारे में इन्होंने बताया है, है ना। जियोर्जी पेरिसी फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन द फिजिकल सिस्टम फॉर एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, है ना। इन्होंने ये भी बात बताई है कि किस तरीके से एक एटॉमिक के टाइम पे फ्लक्चुएशन हो रही है, उसमें डिसऑर्डर किस तरीके से, उन्होंने तो ये बताया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो नोबेल प्राइज़ है, अभी देखिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए दिया जा रहा है, है ना। तो देखिए इनका ये है नाम है, देखिए ये है, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन फॉर द डेवलपमेंट असमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस, ठीक है। तो ये भी है देखिए, बाकी ये एक ऑर्गेन कैटालिसिस जो होते हैं वो होते हैं, है ना, जो केमिकल रिएक्शन का रेट को अल्टर करते हैं, उसके स्पीड अप करते हैं उसको या फिर रिड्यूस करते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन बड़ी सी खास बात ये है इनमें कि ये खुद कुछ नहीं करते हैं, इनमें खुद कुछ नहीं होता है, ये बस रिएक्शन में बात करते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो ये दो लोगों को बोला बेंजामिन एंड डेविड मैकमिलन को बोला, ठीक है। बाकी आप मेडिसिन में देखिए डेविड जूलियस एंड आर्डम पटाफुटिन इनको मिला है, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। अब ये जो रिसेप्टर होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो टेम्परेचर टच पे कैसा मतलब उनमें चेंज आता है उसके मुताबिक करते हैं, तो ये बताया गया, ठीक है। बाकी देखिए ये बताया गया एक नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए मिला ही, है ना, अब्दुल रजक गुरनाह फॉर इज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपेशनेट प्रेजेंटेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कॉन्टिनेंट्स, है ना। तो ये जो दिया गया है ये है कि आप यहाँ से पढ़ के अब्दुल रजक गुरनाह ने लिटरेचर के लिए मिला है,
अब देखिए पीस का प्राइज है ना, ये मान के चलिए कि देखिए ये जो दो है नोबल प्राइज वाला, एक ये वाला जो है, एक ये वाला अब्दुल रज़ाक गुरना, ठीक है, इसमें मैं क्या लिख दूँ, इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, एक ये और एक देखिए ये है ना, पीस के लिए मिलता है जो, ये मैंने कई बार कंपटीशन में एग्ज़ाम देखे हैं, मतलब कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, इन पर क्वेश्चन जो पूछा ही गया है, ठीक है। तो ये मैरियर ऐसे एन, ये क्या है, इनको देख लीजिए आप, इन्हें उसके लिए मिला है, पीस के लिए मिला है, फॉर द एफर्ट्स ऑफ टू एफर्ट्स टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेशन लास्टिंग पीस, ठीक है। ये एक नॉट पीस बताया गया है, क्योंकि आजकल देखिए आजकल क्या है कि मतलब बहुत दिन से ही बात है कि कुछ कंट्रीज हैं, ज़्यादातर कंट्रीज अपने डेमोक्रेटिक घोषित कर रहे हैं, अपने डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, डेमोक्रेटिक की कंडीशन ये मान के चलिए आप कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लोगों को कहने का हक होना चाहिए, हकूक होना चाहिए उनके पास, तो ये बात है। तो उसको देखते हुए है ना, उसको देखते हुए उन्होंने ये दो लोग हैं, इनको पीस का मिला है, उन्होंने ये बात कही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2020 के हैं, वो 21 के हैं ये, ठीक है, देखिए दिया भी गया है ये बिटवीन 1901 एंड 2021 द नोबेल प्राइजेस, ये बताया गया सब, देखिए अब बड़ अवॉर्डेड 609 times to 1975 कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ना, जैसे पिछली बार मिला था, देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिला था, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला था ऐसे, देखिए उन रुकिया ये भी बताता हूँ मैं आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक वो उसको मिला था, देखिए इसको मिलाया WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स के लिए 2020 के लिए इनको ये मिला था पीस प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर, है ना, हंगर के लिए उसको मतलब चैलेंज करने के लिए, तो ये वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया रखिए आपके ऐसे ऐसे होता है, बाकी ये लिटरेचर का है, लिटरेचर का होते हैं जो और इनके होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी आप इंटरेस्टेड हैं जिस फील्ड में उसके मुताबिक याद कीजिए, लेकिन ये शहसाती हैं, है ना, इनको याद कर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक हिट द लाइक बटन।